रात में 3:19 पे लिटरली मैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, आवाज कुछ तो ऐसे करके आवाज आई थी, मतलब इतनी डरावनी आवाज थी, मैं बेखबर सो रही थी, आवाज आई, मैं मतलब लिटरली मेरी आँख खुल गई और मतलब कांप रही थी उस वक्त, इतनी तेज आवाज से डरावनी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करते तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। एंड इस बंदे का तो कल ही वाला है भाई, ये तो एक कपड़ा दो दिन चलाता है, मुझसे तो नहीं होता भाई, मुझे उलझने लगती है। क्यों बेइज्जती कर रही हो? नहीं, मैं फिलहाल एसी में पसीना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी से चेंज करती हूँ, गंदा नहीं होता वो कपड़ा, साइड सी बात है, लेकिन फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, वो अपना अपना होता है। और जैसा कि आप सब देख सकते होंगे, मेरी आपको मेरी नींद साफ नजर आ रही है, बिकॉज़ मैं सुबह 5 बजे गया था। और आज जो है एक बहुत ट्रेजेडी हो गई, रात में एक कांड हो गया, मतलब उसको मैं आगे बताऊंगी रात में, और उस कांड को जानने के लिए बने रहिए आगे के ब्लॉग में। और हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस, बताएंगे रात में आप लोगों को। मेरी आंखों में स्वेलिंग है, आई थिंक। नहीं है, अब तुम ऐसे करके करे रहो तो सभी को स्वेलिंग लगेगी, नीचे से कैसे होती है आगे स्वेलिंग मेरी आंखों में भी। तो फिलहाल हम लोग ऑफिस निकल रहे हैं और मिलेंगे आपसे रात में, रात बाय। और हाँ, कांड जानने के लिए बने रहिए आगे के व्लॉग में। तो जी, ऑफिस मेरा छूट चुका है और हस्बैंड का भी, और इस वक्त टाइट हो रहा है, 10:45 बज रहे हैं। और अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे रोज तो वहाँ खड़ी रहती है, यहाँ तो यहाँ हस्बैंड को शायद अपने शूज़ वगैरह कुछ दे लेने थे, जीन्स वगैरह, तो इसलिए यहाँ आए। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊँगी, तो इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। तो हस्बैंड अभी आएंगे, मैं फ़िलहाल स्कूटी पे ही बैठी हुई हूँ, तो हस्बैंड अभी आएंगे, तो फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा घर जाके, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल होता है, क्योंकि हाथ पर मेरे इतने थक जाते हैं, मेरा फ़ोन पकड़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है, और मुझे डर लग रहा है कहीं कहीं मुझे मार ना दे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे घर चल के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चुके हैं और ये जनाब की चाय भी आ चुकी है, और ये है इनकी बिस्किट, कोकोनट टी, पता नहीं कैसा, मतलब चाय भी आते हैं सही लगते हैं, अब सूखे खाने में अच्छे नहीं लगते वो अलग बात है। और ये बैठे हैं जनाब टेंशन में, अभी चाय पियेंगे, अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, बाकी सब खा चुके हैं, और हम भी लोग बचे हैं, तो हम दोनों ही बचे हैं, खाएंगे खाना। और ये रही इनकी चाय, इसमें से मैं भी पीऊँगी, तो चलिए फिर चाय पीते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, खाना वाना खाने के बाद कमरे में आ चुके हैं, और खाने के दरमियान आपको कुछ नहीं मिल पाए क्योंकि चाचा चाची लोग आज आ गए थे, और अब हमारा आशियाना सज रहा है। और हाँ, एक जो शॉकिंग वाली न्यूज़ थी, जो ट्रेजिडी हम लोगों के साथ हुई है, जो मैं आपको सुबह बताने वाली थी, वो ये है, हाँ, जिसकी वजह से आप ये व्लॉग यहाँ तक देखते हुए आए हैं, वो ये है कि जो मेरा कूलर है उसका जो फ़ैन चलता है, रोटेट होता है, उसके अंदर जो फ़ैन लगा होता है बेसिकली, जिससे हवा आती है, वो टूट गया है, वो टूट गया रात में 3:19 पे लिटरली। मैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, आवाज़ कुछ तो ऐसे करके आवाज़ आई थी, मतलब इतनी डरावनी आवाज़ थी, मैं बेखबर सो रही थी, आवाज़ आई, मैं मतलब लिटरली मेरी आँख खुल गई और मतलब कांप रही थी उस वक्त, इतनी तेज़ आवाज़ थी, डरावनी आवाज़ थी, मुझे लगा पता नहीं क्या है। पर जब हस्बैंड ने कूलर ऑफ़ किया, तो उसके बाद कूलर का जो पंखे का जो पर होता है एक, वो टूट के पानी में गिरने की आवाज़ आई, तब जाके मुझे पता चला कि कूलर का जो फैन है वो टूट गया है। और अब हम लोगों को इतनी गर्मी में सिर्फ और सिर्फ इसके सहारे रहना पड़ेगा, इस पंखे के सहारे। इतनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के ऊपर टूट पड़ी है कि
के मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या ना करें। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। खैर कोई नहीं, अब कूलर का फैन निकाला जाएगा, उसको देखा जाएगा किस साइज़ का है या क्या है, जो भी है अपना फैन चेंज कराया जाएगा, न्यू लगेगा, तब जाके सुकून आएगा। तो फिलहाल यही ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ, और अब सोने की तैयारी है क्योंकि सुबह ऑफिस है हम दोनों का ही। तो अब हम लोग सोएंगे और मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ खुशनूज ब्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कर रहे हैं आप लोग, करिए प्लीज़।